हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर 5, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। व्हेन यू लुक अराउंड योर रूम, यू सी मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक डोर्स, विंडोज, बॉटल्स, बुक्स, एंड दिस थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, एंड दिस डिफरेंट मटेरियल्स मेड ऑफ मैटर। एंड फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट मैटर। वॉट इज मैटर? Matter is anything that occupies space and has weight. Matter is कोई भी ऐसा चीज जो space को cover करता है और उसमें weight होता है. Types of matter. There are 3 types: solid, liquid, and gas. You see, in here is tiny particles. These tiny particles called molecules. In solid, the molecules are tightly packed. In liquid, molecules have loosely packed, and in gas, molecules are very far away to each other. So solid has fixed shape, fixed volume, and liquid has no fixed shape, fixed volume, and gas has no fixed shape, no fixed volume, like solid, chalk, book, etc. And in liquid, water, milk, etc. And in gas, like gas in air, oxygen, etc. Now I will discuss through our activity. Now you can see I have collected some things. I will separate according to the state they belong, like solid, liquid, and gases. These things are solid things. I will explain why it's solid. And water belongs from liquid, and this perfume bottle belongs to gases, and this balloon also belong to gases. Like in solids, you can see in solids have a fixed shape and definite volume. Solids can be held. Like मैं इसको आप देख सकते हो कि मैंने इसको पकड़ सकते हैं, मैंने इसको held किया है, ठीक है? This is so because the molecules present tightly. As you know, I saw molecules. मैंने आपको solid में अभी molecules दिखाया कि molecules जो होते हैं solids में वो क्या होते हैं, वो tightly उसमें packed होते हैं. You can see in this diagram. ठीक है? अब तो these things are solid because these things have fixed shape and fixed volume. Now I will explain about liquid. You can see a glass of water. Okay, so in liquid molecules packed loosely. आप देख सकते हो these are molecules, और ये जो है according to solid के comparison में ये जो है आपके loosely packed है, ठीक है? So now I will prove. You can see I pour this water in a bowl, ठीक है? तो यू कैन सी कि इन लिक्विड हैव नो फिक्स शेप. लाइक मैंने जैसे ग्लास में रखा तो उसने ग्लास का शेप ले लिया वाटर ने हमारा, और जब मैंने इसको बॉल में रखा और उसको पोर किया तो उसने बॉल का शेप ले लिया, ठीक है? और लिक्विड जो है वो फ्लो हो सकता है, तो ये जो है इसका एक फिक्स वॉल्यूम है. लाइक इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, बट इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, ठीक है? कि जितना वाटर है उतना ही वाटर रहेगा, बट वो जब बॉल के उसमें जाएगा, बॉल में जाएगा तो वो उसका शेप ले लेगा, इसलिए इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है. नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ गैसेस. हेयर आई टुक अ लाइटेड अगरबत्ती, ट्राई टू कैच एंड होल्ड इन योर हैंड द स्मोक ऑफ लाइटेड अगरबत्ती. कैन यू डू इट? नहीं, आप इसको नहीं कर सकते हो. बिकॉज कैन यू सी द एयर अराउंड यू? आप क्या इसको देख सकते हो, इस एयर को, जो ये आपके एयर जो गैसेस जा रहे हैं आप इसको देख सकते हो? नहीं, एयर हमको ना, हमको जो गैसेस एयर दिखती भी नहीं है और ना हम इसको होल्ड कर सकते हैं. स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन. लाइक यू सीन अ स्मोक बट एयर कैन नॉट बी सीन. यू कैन नॉट होल्ड अ गैस इन योर हैंड. और हम अपने हाथ में गैस को होल्ड भी नहीं कर सकते. और वैसे ही है यहाँ पे, when air is filled into a balloon, it takes up all the space inside the balloon. Here I took a balloon, and you can see कि जब हम क्या करते हैं कि बैलून को लेते हैं और इस पर
फील कर लेते हैं एयर, ठीक है। बट क्या होता है ये, फिर हम जो एयर हमने फील किया वो क्या है, गैस, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे एक डीओ लिया है, व्हेन वी स्प्रे इट्स अ इट्स फ्लो गैस, ठीक है, इससे गैस निकलता है, ठीक है। और द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अदर। क्यों होता है ऐसा, लाइक जब आप घर पे परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वन कॉर्नर से अदर रूम में भी वो स्प्रेड होता है। दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एंड गैसेज कैन फ्लो इजली बिकॉज जो ये मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ही लूजली पैक्ड है कंपेरिजन देन सॉलिड एंड लिक्विड। सो गैस है नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वैल्यू। नाउ योर एक्टिविटी इज कंप्लीट।